हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेरेट इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश बोलते वक्त बहुत सारे लोगों को डर होता कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गलतियाँ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर आप कोई चीज़ पहली बार करें तो मिस्टेक्स होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हाँ, उस मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करना, यानी रिपीट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आई गो होता है, तो आई गो होता है, आई गो की जगह पर आपने आई गोज बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप बोलने का कोशिश तो कर रहे, बात समझ रहे। और सबसे बड़ी बात ये, देखिए, आपको अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, तब तक आप नहीं कर सकते। और इंग्लिश बोलने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने डेली लाइफ में वो सब चीज़ों को नहीं लाएंगे, तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट, कोई ट्रिक भी नहीं और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, बढ़िया से आप बोलना चाहते हैं, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा। भले ही गलत हो, जो भी हो, सब कुछ जो भी हो, आपको करना पड़ेगा, यानी कोशिश करना होगा, बोलने का कोशिश। आपके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, रिलेटिव्स मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या सोचेंगे मैं गलती तो नहीं कर रहा। अरे, सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। और गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट पहली बार में सक्सेस नहीं होता है, कोई भी चीज़ हो, पहली बार में कोई सक्सेस नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस नहीं होता। बहुत रेयर होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो, लेकिन ऐसा होता नहीं, बात समझ रहे। जब आप पहली बार बाइक चलाना सीखे, तो क्या आप एक ही बार में पूरा परफेक्ट बाइक चलाना सीख गए थे? नहीं ना, आप बस करते गए, उसके बाद आप बाइक चलाने में परफेक्ट हो गए। उसी तरह जब मैं पहली बार स्टेज पर स्पीच दिया, तो क्या मैं परफेक्ट? नहीं, मैं देते गया और मेरा जो स्पीकिंग स्किल है वो बेहतर हो गया। अब मैं कहीं भी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, बात समझ रहे। मैं जब पहली बार वीडियोस बनाए तो बहुत दिक्कत होता था, एक एक वीडियो को बनाने में 10 बार 15 बार शूट करना पड़ता था। आज मैं एक ही शॉट में कर लेता, क्यों? क्योंकि मेरा हैबिट बन गया और ये स्किल इंप्रूव हो गया। तो दोस्तों, कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो आपको टाइम तो लगेगा और गलतियां तो होगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत गलतियां होगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। चाहे जो भी हो जाए, क्विट मत कीजिए, सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कोशिश करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। और अपने डेली लाइफ में जो भी आप हिंदी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलने का कोशिश करेंगे। कब कर पाएंगे? जैसे आपको बोलना किताब, तो किताब नहीं बोली, किताब की जगह बुक बोली, क्या बोलिए? बुक। आपको किसी बच्चे को बोलो ना इधर आओ, तो उसको इधर आओ मत बोलिए, उसे बोलो कम हियर, गो देयर, प्ले द म्यूजिक, गो टू द मार्केट, ब्रिंग वेजिटेबल, ब्रिंग वाटर। तो इस तरह से अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। बस आपको कोशिश करना है, चाहे जो भी हो जाए, मुझे इंग्लिश बोलना, गलतियां होगा, कोई बात नहीं, होने दीजिए, कोई बात नहीं। आपका दोस्त मजाक उठा, कोई बात नहीं, उड़ाने दीजिए। आपको किसके लिए सीखना है? खुद के लिए ना, तो आप दोस्त के बारे में क्यों सोच रहे कि दोस्त क्या सोचेगा? बस अपने आप पर भरोसा रखिए और कोशिश करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बात समझ रहे। आपके पास दो चॉइस है, एक तो आप अपना जो इंग्लिश स्पीकिंग उसको इंप्रूव करें, या फिर रोते रहे कि मुझे नहीं आता। कोसने से कुछ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता था, कोसने से कुछ नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। इंसान का यही तो सबसे बड़ा खूबी है कि वो कोई भी स्किल को आसानी से सीख सकता है, बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो आपको भी इंग्लिश नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना क्या, सब कुछ सीख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन लर्न। आदमी रॉकेट बनाना सीख रहे किताब पढ़ करके, जरा सोचिए, रॉकेट बनाना, तो आप क्या एक इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सकते, एक स्किल नहीं सकते, सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखिए और हम लोग जो भी वीडियोस डाले हैं उनको देखते रहिए और अपने डेली लाइफ में उस सबको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अगर कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियोज़ बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।